Hello, good morning everybody. My name is Vikas Yadav from Dallas MVC, and today we'll study about future indefinite tense. Future indefinite tense. Okay, सबसे पहले हम इसके नाम का मतलब समझते हैं. Future indefinite tense का मतलब क्या होता है? देखो, future with the help of name we can say when we talk about future. जब हम present में खड़े होकर, suppose this is the present and I am thinking कल मैं school जाऊंगा, तो ये फ्यूचर है. मैं उसे मारूंगा, मारा नहीं है, प्रेजेंट में खड़ा होकर कल के बारे में सोच रहा हूं, या एक हफ्ते के बारे में सोच रहा हूं, या सालों के बाद के बारे में सोच रहा हूं. दैट इज कॉल्ड फ्यूचर. जब आप प्रेजेंट के उस पे खड़े, प्रेजेंट में खड़े होकर या प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के बारे में सोचोगे, दैट इज कॉल्ड द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, और सेंटेंसेस अगर हम बात करें, कल मैं ट्रेन पकड़ूंगा, दिस इज ऑल्सो फ्यूचर. हियर आई एम स्टैंडिंग, राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर, बट आई एम थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. और इन इंग्लिश वी कैन से व्हेन द वर्क इज नॉट डन एंड वी आर थिंकिंग टू डू. लाइक सपोज वी डिड नॉट कंप्लीट एनी वर्क, हमने कोई काम कंप्लीट नहीं करा है, बट वी आर थिंकिंग टू डू, हम सोच रहे हैं कि उसको हम करेंगे. लाइक इफ आई से आई विल गो टू मार्केट टू परचेज वेजिटेबल, मैंने वेजिटेबल खरीदा नहीं है, बट आई एम थिंकिंग टू परचेज द वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट. इट इज कॉल्ड द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. सी, इट इज हाउ वी लर्न इंग्लिश फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ सेंस. सेंस से इंग्लिश कैसे सीखी जाती है? बट लाइक ऑन द अदर हैंड देर आर मेनी पीपल हु आर हैबिचुअल ऑफ लर्निंग इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ हिंदी. तो हिंदी से भी बता देता हूं, अगर किसी वाक्य के लास्ट में या वाक्य के अंत में गा गी गे अगर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाऊंगा, लास्ट में क्या आ गया? गा आ गया, तो ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया. वह मुझ पे हंसेगी, लास्ट में क्या आ गया? घी आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ. तुम लोग, हम लोगों से बात करोगे, लास्ट में क्या आ गया? गो आ गया, तो ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया. लेकिन अगर तुम मेरे से पूछोगे, मेरे से राय लोगे कि सर कैसे सीखे, तो डेट इज यू नो फर्स्ट जो मैंने बताया था आपको, फर्स्ट मेथड की इंग्लिश टू इंग्लिश या सेंस से इंग्लिश सीखो, डेट वुड बी बेटर. अगर वो बेटर क्यों होगा, इसका रीजन भी बता देता हूं. अगर आप तमिल में जा रहे हो जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है, अगर वहां पर आपसे कोई बोल दे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा के दिखाओ, और आप वहां पर हिंदी टू इंग्लिश नहीं सिखा सकते, आपको वहां पर इंग्लिश टू इंग्लिश सिखाना पड़ेगा. सो दैट इज बेटर, लाइक इफ यू कीप और इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टूडे ओनली, आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेगा, और टाइम आएगा बहुत जल्दी से आप फ्लुएंट बोल पाओगे और जल्दी सीख लोगे. ठीक है, ओके फाइन. सो दोनों मेथड मैंने बता दिए हैं. इन हिंदी अगर किसी वाक्य के लास्ट में गा गी गे आ जाए, तो हम इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे. देखो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो कहां होती है सर? विल का यूज कहां किया जाए और शैल का यूज कहां किया जाए. इसको वैसे शॉर्ट अगर हम नेम से याद करना चाहते हैं तो हम इसको नाम दे सकते हैं विल. ठीक है, विल का मतलब ही क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. क्यों होता है ऐसा मतलब? क्योंकि विल को यूज किया जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में. हम बात कर रहे थे कि विल और शैल में अगर प्रॉब्लम आ जाए, तो विल और शैल की अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको निपटना, और इससे निपटना बहुत जरूरी है. विल, देखो मॉडर्न इंग्लिश की बात करोगे, एवरीबडी इज यूजिंग विल इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. आई विल गो टू पार्क, दे विल डू दैट वर्क, आई विल गो टू पार्क टू परचेज, यू नो वी विल प्ले क्रिकेट. सो मॉडर्न इंग्लिश की बात करोगे तो हर कोई विल का यूज कर रहा है. लेकिन इफ यू गो टू द पास्ट, अगर तुम पास्ट के बारे में या पास्ट में जाओगे, किताबों को पढ़ोगे, इट इज रिटन कि शैल का यूज भी किया जाता है, और ये भी लिखा है शैल का यूज आई वी के साथ शैल का यूज किया जाता है. बट शैल का यूज आज भी होता है, लेकिन लिटरेचर में आप लिखते टाइम शैल का यूज कर सकते हो. बट आई वुड लव टू सजेस्ट यू इन स्पीकिंग, इवन इन राइटिंग ऑल्सो यू मे यूज विल, कोई काटेगा नहीं, वो गलत नहीं होगा. ठीक है, तो विल और शैल आप दोनों का यूज कर सकते हो, इट्स योर चॉइस. बट इफ यू टॉक अबाउट, इफ यू गो थ्रू द मॉडर्न इंग्लिश, आई वुड लव टू सजेस्ट यू टू यूज विल. ओके, सब आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, राइट? सो इसके कुछ फॉर्मूलाज के बारे में, कुछ रूल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं. ठीक है, रूल्स जो बोलते हैं, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, डब्ल्यू एच फैमिली होता है. सबसे पहले अफर्मेटिव, इसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं. सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वाक्य में काम करने वाला, सब्जेक्ट इज डूअर और द पर्सन हु डज वर्क इन अ सेंटेंस.
इफ आई एम स्पीकिंग लाइक अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं मैं नाच रहा है तो नाचने का काम कौन कर रहा है वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं ही आई यू वी दे ही और किसी का नेम आ जाए तो वो सारे सब्जेक्ट कहलाएंगे ठीक है उसके बाद विल दिस इज द चैप्टर इफ यू आर यूजिंग विल इट मींस यू आर टेलिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर अगर तुम विल का यूज करोगे किसी भी वाक्य में शी विल गो टू पार्क बंदे के दिमाग में आ जाएगा कि वो फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है या कर रही है ठीक है उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है कोई सेकेंड फॉर्म नहीं कोई थर्ड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म गो रन बी किक ठीक है उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन आता है लाइक ऑब्जेक्ट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पर्सन जिस पर काम किया जाता है मैं बोलूंगा मैं आपको मारूंगा तो मारने का काम कौन कर रहा है मैं कर रहा हूं तो व्हाट एम आई आई एम अ सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है आई है लेकिन काम किस पर हो रहा है आप पर हो रहा है पिटाई किसकी हो रही है आपकी हो रही है तो यू आई विल बीट यू ठीक है तो यू हो गया ऑब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है अस यू का ऑब्जेक्ट यू ही का ऑब्जेक्ट हिम शी का ऑब्जेक्ट हर दे का ऑब्जेक्ट दैट ठीक है एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं ठीक है जैसे मैं अगर यहां पर लिखता हूं आई विल टेल यू समथिंग आई विल टेल यू समथिंग ठीक है मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा समझ में आ गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा अगर मैं यहां पर हिंदी लिखता हूं इस सेंटेंस की तो ये बनता है मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा बताऊंगा ठीक है तो मैं के लिए मैंने लगा दिया आए और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि लास्ट में क्या आ गया गा आ गया और फ्यूचर के बारे में बात हो रही है तो विल आ गया आई विल बताने को बोलते हैं टेल यू समथिंग आई विल टेल यू समथिंग जैसे कि यहाँ पर कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं जैसे कि वे लोग हमसे बात नहीं करेंगे तो नेगेटिव हो गया नेगेटिव का रूल क्या है सब्जेक्ट विल उसके बाद नॉट लग जाएगा फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा ठीक है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है वे लोग तो हमने यहाँ पर लिख दिया दे वे लोग को क्या बोलते हैं दे उसके बाद क्या आएगा विल आएगा विल क्यों आएगा क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है दे विल नॉट बिकॉज इट इज नेगेटिव दे विल नॉट हमसे बात नहीं करेंगे बात करने को हम कहते हैं टॉक टू हमसे ऑब्जेक्ट क्या है किस पर काम हो रहा है हम पर हो रहा है दे विल नॉट टॉक टू अस तो ऑब्जेक्ट क्या होता है हमसे कब अस दे विल नॉट टॉक टू अस अब देखो इसमें इंटरोगेटिव की बात कर लेते हैं क्वेश्चन सबसे पहले विल आ गया फिर सब्जेक्ट आ गया फर्स्ट फॉर्म आ गया ऑब्जेक्ट आ गया देखो क्वेश्चन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक WH फैमिली से क्वेश्चन किया जाता है और एक इंटरोगेटिव जिसमें हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले यूज कर सकते हैं ठीक है और करते भी हैं लाइक सबसे पहले अगर हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं व्हेन वी आर यूजिंग हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट लाइक आई एम आस्किंग आर यू गोइंग टू पार्क और विल यू परचेज द कार विल यू टॉक टू मी तो ऐसे सेंटेंसेस इन हिंदी क्या तुम मुझसे बात करोगे क्या वह खेलेगा क्या राजू पतंग लेके आएगा क्या हम दोनों साथ में पतंग उड़ाएंगे क्या वह मेरे लिए स्कूल जाएगी तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं इनके जो आंसर्स होते हैं वी हैव लिमिटेड आंसर्स आइदर वी कैन से यस और वी कैन से नो जब हम इनके आंसर्स करते लाइक हिंदी में अगर मैं आंसर करूं आपने मुझसे पूछा क्या तुम मुझे पढ़ाओगे मेरे पास दो आंसर्स हैं यहां पर या तो मैं बोलूंगा हाँ मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा यस आई विल टीच यू और मैं कह सकता हूं नो आई विल नॉट टीच यू एक तो ये टाइप का क्वेश्चन हो गया दूसरा जब हम WH फैमिली को सबसे पहले यूज करते हैं व्हाट WH फैमिली क्या होती है व्हाट हो गया व्हाई व्हाट व्हाई व्हेन तो ऐसी बहुत सारी WH फैमिली होती है सारे व्हाट व्हाई व्हेन हाउ ठीक है whomsoever whatsoever तो यू नो दीज आर दी WH फैमिलीज ओके सो WH फैमिली हो गया क्या इंटरोगेटिव हो गया ये दोनों के जो क्वेश्चन है मैंने लिख रखे हैं इसकी प्रैक्टिस करते जैसे देखो पहला क्वेश्चन जो है ये इंटरोगेटिव है क्या तुम मुझे स्कूल ले जाओगे अब इसके आंसर्स बहुत लिमिटेड है पहले तो इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं
क्या तुम मुझे स्कूल ले जाओगी, तो विल उसके बाद जो इसमें सब्जेक्ट है वो क्या है, तुम, विल यू टेक। अब इसमें काम क्या हो रहा है, काम ये हो रहा है ले जाने का, और ले जाने को हम क्या बोलते हैं, टेक बोलते हैं। तो विल यू टेक किसे, क्या तुम मुझे, विल यू टेक मी टू द स्कूल, टू द स्कूल। सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये डब्ल्यू एच फैमिली का, डब्ल्यू एच फैमिली में यहां तक डिटो सेम, उसके बाद आपको डब्ल्यू एच फैमिली यूज करनी है। उससे पहले वे लोग पैसा कमाने के लिए क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, क्या, वॉट, ठीक है, वॉट विल, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, सब्जेक्ट वे लोग, दे, वॉट विल दे डू, वे लोग क्या करेंगे पैसा कमाने के लिए, टू अर्न मनी, वे लोग क्या करेंगे पैसा कमाने के लिए, वॉट विल दे डू टू अर्न मनी। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स विच आर गिवन ऑन द बोर्ड। दे विल डांस विद अस, वे लोग हमारे साथ नाचेंगे, फ्यूचर है। She will not play, वह नहीं खेलेगी। We both will not make fun of her, हम दोनों उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। Will she give me a book tomorrow, क्या वह कल मुझे एक किताब देगी। और अगर हम बनाए डब्ल्यू एच फैमिली में, वह मेरे लिए क्या लाएगा, वह मेरे लिए क्या लाएगा। डब्ल्यू एच फैमिली कौन सा वर्ड है, what, वह मेरे लिए क्या लाएगा। What के बाद हम क्या यूज करेंगे, will, What will, लड़का है तो he, What will he, लाने को हम क्या बोलते हैं, bring, What will he bring for me, for me, question mark, ठीक है, okay, next एक और question, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, ये भी question है, WH family का question है, okay, कब आओगे, तो यहाँ पर WH family का word कौन सा है, कब, कब को हम English में क्या कहते हैं, when, When will you, तुम कब आओगे, When will you come, question बन गया, ठीक है। और अगर हम questions की बात करें, वह कब पढ़ाएगी, वह कब पढ़ाएगी, वह कब पढ़ाएगी, और वह क्या पढ़ाएगी, क्या भी हो गया, कब भी हो गया, वह क्यों पढ़ाएगी, क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, Why, why क्यों पढ़ाएगी, विल फ्यूचर है, शी, वाई विल शी टीच, वह क्यों पढ़ाएगी। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।